आटे को भी महंगाई के भंवर ने अपनी लपेट में ले लिया। आटा भी अब गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 से 200 रुपए तक का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 900 से 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा। अब मजदूर तो नहीं ले सकता ना, वो डेली के तो कमाता है। अब वो अपना घर का खर्चा 200 रुपए में घर का खर्चा चलाएगा या आटा लेगा या दूसरे अखराजात पूरे करेगा। जो बेचारा 400-500 कमाता वो क्या करेगा ऐसी महंगाई में। टमाटर 300 रुपए किलो, बहुत महंगाई हो गई है बहुत। आटे की कीमत में इजाफे की वजूहात का रोही ने खोज लगा लिया। मुल्तान में महकमा खुराक का रोही के हमरा पीपल्स कॉलोनी में वाके गोदाम पर छापा। महंगे दामों आटा फरोख्त करने पर गोदाम मालिक को 90,000 रुपए का जुर्माना। फैक्ट्रियों, गाड़ियों और चिमनियों से निकलता हुआ धुआं। सराइकी खत्ते में स्मोग ने लाल झंडी दिखा दी। मुल्तान खानेवाल विहाड़ी में स्मोग रेड जोन में शामिल। मुल्तान में ईंटों के तमाम भट्टे 20 दिसंबर तक बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर का अहकाम पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। भट्टा एसोसिएशन ने हुकूमती अहकाम मानने से इनकार कर दिया। भट्टों को बंद करने का जालिमाना फैसला वापस लिया जाए। ऑल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन का अदालत से रजू करने का फैसला। सदर अमजद जगवार का कहना है भट्टों को बंद करना मुआशी कत्ल है। हुकूमत ने भट्टे मालिकान को एतमाद में नहीं लिया। भट्टों के ऊपर किसी के पास दो गाड़ियां कोयले की पड़ी हैं, किसी के पास एक गाड़ी पड़ी है। ये लाखों रुपए की गाड़ियां हैं और कुछ लोगों की रास्ते में गाड़ियां हैं, उनको कहां किया जाए। ये तो ऐसे काम किया गया है यार जैसे कोई रात को किसी के घर डाकू आ जाते हैं। मुतालिबात के हक में हड़ताल करना महंगा पड़ गया। मुल्तान इराजी रिकॉर्ड सेंटर के मुलाजमीन की शामत आ गई। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई का आगाज। 150 से जायद नामालूम मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूनियन के अहदेदारान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। राजी रिकॉर्ड सेंटर रहीम यार खान में हड़ताल का 10वां रोज। एहतजाज के बायस दफ्तर में ताले। जमीनों की खरीदो फरोख्त रुक गई। जमीनों के तमाम मामलात खटाई में पड़ गए। कैदियों की रिहाई के लिए जमानत नामे का हसूल भी मुश्किल हो गया। साइलीन को मुश्किलात का सामना। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड 2 के इंक्यूबेटर्स खराब। नौमलूद बच्चों की अमवात का खदशा। पूरे अस्पताल में सिर्फ एक इंक्यूबेटर फाल। अस्पताल इंतजामिया ने इंक्यूबेटर की खराबी का एतराफ कर लिया। डॉक्टर असलम की तमाम इंक्यूबेटर्स जल्द ठीक करवाने की यकीन दहानी। हो सकता है कि उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमने लेके भेजा है, लेकिन हमें तो हमने पता किया है, मतलब ब्रांच वो कहते हैं हमारे पास आज आया है, तो आ गया तो इंशाल्लाह वो सही करा देते हैं। कहीं ना कहीं मसला तो हुआ है जिसकी वजह से डिले हो गया। मुल्तान में फीडर बस के दो नए रूट 9 माह से बंद। विहाड़ी चौक से बदला संत और चौक अम्हारा वाला से टाटेपुर रूट शुरू ना हो सके। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को फौरी तौर पर इन रूट्स पर बसें चलाने की हिदायत। लोधरा सिटी पुलिस ने मलेशिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। बलूचिस्तान से सिंध स्मगल की जाने वाली चर्च की भारी मकदार कब्जे में लेकर मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 लाख मालियत की 25 किलो चर्च पकड़ ली गई। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत की मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देने की मंजूरी। सूबाई वजीर खजाना की सरबराही में कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। सरकारी मुलाजमीन को 2020 से 80% यूटिलिटी अलाउंस मिलेगा। समरी वजीर आला को अरसाल। रहीम यार खान के किसानों के लिए खुशखबरी। महकमा ज़राअत किसानों को पूरा अंदाजी पर रायती नरखों में ज़रई आलात फराहम करेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलम का एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के साथ जायजा मीटिंग में फैसला। किसानों के रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू। 30 नवंबर तक दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। सवाद के टमाटरों की बहावलपुर में एंट्री। टमाटर की कीमत में 15 रुपए फी किलो की कमी। ईरानी टमाटर 190 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने सुख का सांस लिया। उधर भक्कर में टमाटर की कीमत मामूल पर ना आ सकी। टमाटर की फरोख्त फी किलो 240 रुपए में जारी। मुकर्रर करदा नरखों पर सब्जियों और फलों की फरोख्त यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर जिशान जावेद और डीपीओ उस्मान एजाज का
सब्जी मंडी लैया का दौरा, नीलामी और फरोख्त के अमल का जायजा लिया। उधर डिप्टी कमिश्नर बहावन नगर शोएब जदून की भी गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। डायरेक्टर जनरल लेबर पंजाब का जीरो टॉलरेंस की बुनियाद पर कार्रवाई का हुक्म। FBR का पेंशनर्स के लिए अहम इकदाम, रिटायर्ड और मुलाजमत के दौरान फौत होने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को अब घर बैठे पेंशन मिलेगी। FBR का पेंशन अकाउंट में भेजने का फैसला, अकाउंट कार्ड बनवाने के लिए परफॉर्मा भी जारी। मुश्तरका सनती मंसूबों को मिलेगी वसत, इस्लामी यूनिवर्सिटी और चैंबर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर के माबैन MOU साइन, वाइस चांसलर और सदर ने माहदे पर दस्तखत किए। रहीम यार खान ने रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस में बच्चे की पैदाइश, मौजा बंदूर से ताल्लुक रखने वाली खातून को अस्पताल मुंतकिल करने की कॉल आई। शेख सैद अस्पताल में मुंतकली के दौरान ही खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया, खातून और बच्चा दोनों सेहतमंद, अस्पताल मुंतकिल। डेरा गाजी खान के इलाके रुकनाबाद कॉलोनी में नाकारा सेवरेज सिस्टम, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, गंदा पानी जमा होने के बायस इलाका मकीन परेशान, बच्चे बीमारियों में मुब्तला होने लगे, शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। क्रशिंग सीजन शुरू ना हो सका, रहीम यार खान ने गन्ने के काश्तकारों का एहतजाज, हाय गन्ना के नारे लगाए, मुजाहिरीन का क्रशिंग सीजन शुरू करने का मुतालबा। किसानों का मुतालबात के हक में सड़कों पर आने का फैसला, मुल्तान में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सदर खालिद महमूद खोखर ने कशकोल मार्च का इंडिया दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब्दाली रोड पर एहतजाज भी किया। मियांवाली में रोही की खबर पर एक्शन, वत्ताखेल चौक से वाबद ऑफिस तक रूट की तामीर शुरू, दुकानदारों ने रोही का शुक्रिया अदा किया और रोही जिंदाबाद के नारे भी लगाए। रोड का सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं रोही चैनल का, जो वक्ता ने हमारे पास आते रहते थे और इसके मसले को उठाते रहते थे। तो सबसे पहली बात यह है कि ये रोड बन रहा है, बहुत बेहतर बन रहा है, सबसे अच्छी तरह बन रहा है, इमरान खान के आने से रोड की हालत बेहतर हो जाएगी। यजमान में अवामी मसाइल का होगा जाला, पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज वैन सर्विस का आगाज कर दिया गया, पुलिस वैन हफ्ते में एक दिन यजमान के लिए मुकर्रर, DPO बहावलपुर सरफराज खान की हिदायत पर सहूलियात देने का हुक्म जारी। शहर औलिया को फूलों और पौधों से सजाने का फैसला, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर फतर का शजरकारी मुहिम के लिए पौधों की तैयारी के अहकाम, चेयरमैन PHA इजाज जंजुआ को टास्क सौंप दिया गया। जामपुर कुलाची रोड सड़क की सुनी गई, MNA जाफर लगारी और सूबाई वजीर आपाशी मोहसिन लगारी ने टफटाइल मंसूबे का इफ्तिताह किया, मंसूबे पर 2 करोड़ रुपए लागत आएगी। और कमिश्नर मुल्तान इफ्तखार अली सहू ने अताइयत के खात्मे की ठान ली, अताइयों के लिए बड़े क्रैकडाउन का हुक्म, अताइयों जाली और मुल्ज़िम सेहत अद्वियात की मौजूदगी पर क्लिनिक दुकान सर्वे मोहर करने और अताई को गिरफ्तार करने की हिदायत।